तो ये गाइस वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल इन द रिंग व्लॉग शो करो सभी भाई लोग अच्छा को बजाता हूं बजाता हूं बजाता हूं बाकी तरह अभिषेक भाई की तरह। तो अभिषेक भाई अपनी पब्लिक को बताओ अपन कहां पर आए हैं। आज एक बार अपन फिर से आ चुके चाय ईरानी पर, जहां पर आयुष भाई और मैंने ट्राई किया था 14 MM के पराठे को। और आज भैया कुछ यूनिक चीज़ें यहाँ पर खिलाने वाले हैं, क्योंकि भैया का जैसे ठंड में जो नया कॉन्सेप्ट चालू होता है और भैया ने कुछ नया स्टार्टअप भी किया है। तो हम वापस भैया के यहाँ पे आ गए हैं शूट करने के लिए। और इसका जो पहले वाला लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बताओ क्या क्या शूट करने आए। तो यहाँ पर एक तो अपन पाव भाजी ट्राई करने आए और लिट्टी चोखा, बन मस्का। हाँ, बन मस्का तो आपको लोगों को पहले दिखा दिया, आज लिट्टी चोखा दिखाएंगे और उसके बाद में भैया के छोले कुलचे हैं वो दिखाएंगे, पाव भाजी है वो दिखाएंगे। उसके बाद में चलते हैं भैया, थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि भैया कैसा क्या स्टार्ट किया है और चलते हैं और टेस्ट करके बताएंगे भाई यहाँ पे क्या क्या मिलने लगा है। और थाली वाली भी स्टार्ट की है भैया ने, चलो आपको पूरा दिखाता हूँ, चलते हैं अपन। और लोकेशन समझाया था सबसे पहले, साइड है बंगाली स्क्वायर और इस साइड है संवित नगर। ये संवित नगर से बंगाली बंगाली वाला स्क्वायर वाला रोड जा रहा है, इसको बोलते हैं कनाडिया रोड। और जस्ट आपको बीच में दिख जाएगी आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, साथ में चाय ईरानी वाली शॉप। कैसे लिट्टी चोखा, और मैं आपको इसकी एक स्पेशलिटी बताता हूँ। जैसे बिहार के अंदर लिट्टी चोखा खाया जाता है, जैसे पार्टी जो रहती है ना अपनी, इसके अंदर स्टफ होता है सत्तू का। बट भैया जो से भैया ने कुछ बताया था ना अभिषेक भाई की, जहाँ से अवध साइड बढ़ते हैं, अवध अपने इलाहाबाद साइड बढ़ते हैं, तो जैसा जो स्टफ रहता है ना, जैसे सत्तू स्टफ रहता है, तो ये सारा आटे के अंदर मिक्स हो जाता है, सारे मसाले इसके बाटी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इसके अंदर कोई स्टफिंग नहीं रहती, डायरेक्ट पूरा डो तैयार होता है मसालों के साथ में। फिर उसके बाद में इसको खाया जाता है इसके भरते के साथ में दाल लगा के। ऐसे आप देखोगे तो आपको लिट्टी चोखा के साथ में आपको वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, दाल नहीं मिलती है। बट यहाँ पे थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है सर भाई, बैगन का भरता मिला है साथ में दाल मिली है, इन दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन करके खाओ। फिर उसके बाद में जो चटनियाँ दिख रही है, इन दोनों को उंगलियों को उंगलियों से लगा के और फिर चाट के खाना है भाई। तो मतलब इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है खाने का। तो भैया ने ऐसा बताया कि ऐसा खाना है आपको। देखो भाई इसके अंदर कोई स्टफ नहीं है, बाकी पूरे प्योर देसी घी से लोडेड बाटी है। इसको लेते हैं हल्का सा, भाई लोग लिटरली बोल रहा हूँ कि क्या तगड़ा वाला फ्लेवर आया है इस बाटी के अंदर। प्योर लोडेड देसी घी भरा हुआ है, ये देखो आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद में भाई इसके अंदर मसाले के टेस्ट तो आए ही आए, साथ में जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने खाया है, दाल का और बैगन के भरते का कॉम्बिनेशन करके मैंने खाया है, वो बहुत तगड़ा लगा। और जो भैया ने आखिरी में बोला था कि भाई उंगली से चटनी, लहसुन की चटनी बनती है, इसको ट्राई करना, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन है। अब दूसरा बूट इंजॉय करते हैं, उसके बाद में वो इंजॉय करके बता दें कि भाई उसका टेस्ट वगैरह कैसा क्या लगा। चलो भाई तो अपने पास में आ चुके छोले कुलचे की प्लेट और क्या बोलते हैं पाव भाजी की प्लेट, पाव भाजी। अब इसको टेस्ट करते हैं अभिषेक भाई और देखते हैं कि इसमें क्या यूनिक है। ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं छोले कुलचे से। अपन अभिषेक भाई अपन ने वहाँ पर खाए थे छोले कुलचे, तो थोड़ा कुलचे का साइज वहाँ पे अलग था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग है। भैया ने इसको अच्छे से रोस्ट किया, मतलब सेका हुआ तेल के अंदर या फिर उस घी के अंदर टेस्ट करते। वहाँ पे हम लोगों ने खाए थे देसी घी के, क्यों अभिषेक भाई? राधे 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 के। अभिषेक भाई तो ये जो कुलचे हैं ना, कुलचे में तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कुलचे जो अपन ने वहाँ पे खाए थे और यहाँ पे खा रहे हैं। पर जो उनके छोले ना भाई काफ़ी रिच मसाले डले हुए, उसको बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत लाजवाब टेस्ट आ रहा है। अपन ट्राई करते हैं इनकी पाव भाजी जो कि लवालब घी के अंदर सीखी हुई है। भाई दोनों के अंदर अच्छी मात्रा में घी का यूज़ किया है, जो कुलचे सेके भैया ने वो भी घी में सेके और अच्छे से सेक रखे हैं बढ़िया तरीके से। जो पाव भाजी की भाजी है ना, पहले पहले तो अच्छे से पूरे मसाले जो मतलब सब्जियाँ रहती है अच्छे से मैश करी हुई है, उसके बाद में जो हल्के से हल्के से सब्जियों का टेक्सचर आ रहा है ना भाई इसके अंदर मुँह के अंदर, काफ़ी लाजवाब लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, काफ़ी यूनिक टेस्ट है। तो काफ़ी बर्थडे आप लोगों को प्राइस यहाँ पर शो हो रहा होगा भाई, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी मज़ा आया खा के। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें टेस्ट करनी हो तो आप लोगों को भी यहाँ पे लोकेशन आप लोगों को बताई दी है मैंने स्टार्टिंग में, आप लोगों को वहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही हो एड्रेस वगैरह ढूंढने में, तो भैया का नंबर मैंने
डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग भैया को बाकायदा कॉल कर सकते हो। और बाकी बंगाली से कनाडा तक में आपको एक ही शॉप दिखेगी, चाय ईरानी। आप लोग यहाँ पर आना, टेस्ट करना, ताकि आप लोगों को भी अच्छा टेस्ट का आनंद मिल सके। और करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। साथ में अभिषेक भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तब तक चलते हैं, मिलते हैं।